हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टोमेंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम कॉइन स्विच क्वेयर पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं या सेल करते हैं या किसी भी करेंसी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए कितना टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कितना टैक्स हमारे लिए एक्सचेंज को पे करना पड़ता है। इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक कॉइन स्विच क्वेयर पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, टैक्स को पे करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय पे क्लिक करते हैं, तो हम BTC पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए उसका लाइन चार्ट ओपन होगा, और अगर आपके लिए इसका कैंडल चार्ट ओपन करना है तो आप इन कैंडल्स पे क्लिक करके इसका कैंडल चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। हम बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही बोला है कितने रुपए की आपके लिए क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है। यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस दिखेगा, जो कॉइन स्विच क्वेयर के अकाउंट में आपके रुपए पड़े होंगे उसके आपको लिए 25% से बाय करना है या 50% से बाय करना है या 100% से बाय करना है। जितने से आपके लिए बाय करना है आप बाय कर सकते हो, यानी मिनिमम आप 100 रुपये से बाय कर सकते हो और आप मैक्सिमम 2,50,000 रुपये से बाय कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ रुपये डाल देता हूँ, 100 डाले और प्रीव्यू बाय पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रीव्यू बाय पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारे लिए फीस पे करनी पड़ती है, यानी हमारे लिए जो एक्सचेंज के लिए टैक्स देना पड़ता है, वो आप देखोगे 0.35%। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.35%, और उसका हमारे लिए 25% अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, तो हमारे लिए जो पे करना पड़ रहा है अभी प्रेजेंट में वो हो रहा है 0.26%। आप यहां पर देखो, मैं आपके लिए दोबारा दिखाऊं, आप जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हो या उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए जो टैक्स देना पड़ता है, आप यहां से देख सकते हो दिया हुआ है 0.35%। 0.35% किसका देना पड़ता है? जितने रुपए की आप बाय करते हो। अगर आप 1,000 रुपए की बाय करते हो तो 1,000 रुपए का 0.35% पे करना पड़ेगा, और अगर आप 10,000 रुपए की बाय करते हो तो आपके लिए 10,000 रुपए का 0.35% देना पड़ेगा। प्रेजेंट में आप यहां से देख सकते हो कि 25% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी 0.35% का 25% का डिस्काउंट चल रहा है, 0.35% पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है। तो हमारे लिए जो टोटल फीस अभी देनी होगी वो देनी होगी 0.26%, आप वो भी आप यहाँ से देख सकते हो 0.26%। तो जब भी हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं या किसी भी करेंसी को सेल करते हैं तो हमारे लिए 0.26% देना होता है क्या टैक्स। आप यहाँ पर देखोगे बाय ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए ऑर्डर्स में लेके चलता हूँ, पोर्टफोलियो में चलेंगे और हम जाएंगे ऑर्डर्स में, स्ट्रीम में आएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो हमारा बाय ऑर्डर है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। कितने अमाउंट का है? 100 अमाउंट का। एसेट वैल्यू कितनी है? ये हमने देखा कि जब भी हम किसी करेंसी को बाय करते हैं तो हमारे लिए कितना टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम सेल करते हैं कि हमारे लिए सेल करने पर कितना टैक्स पे करना पड़ता है, तो हम फिर से BTC पे क्लिक करेंगे और सेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो हमने जो BTC बाय की थी उसका 100% हम यहाँ पर सेल करेंगे और प्रीव्यू सेल पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, जब हम किसी भी करेंसी को बाय करते हैं तो जितना टैक्स हमारे लिए देना पड़ता है 0.35%, और जब हम सेल करते हैं तब भी उतना ही टैक्स हमारे लिए देना होता है। जब हम किसी भी करेंसी को बाय करते हैं तो हमारे लिए देना होता है 0.35%, और सेल करते हैं तब भी हमारे लिए इतना ही देना पड़ता है 0.35%। लेकिन 25% का सेलिंग पर भी डिस्काउंट चल रहा है, तो 0.26% हमारे लिए अभी सेलिंग पर ही देना पड़ेगा क्या टैक्स। किसको? एक्सचेंज के लिए। तो 0.26% एक्सचेंज हमारा क्या लेता है? टैक्स लेता है करेंसी को बाय या सेल करने पर। बाय करोगे तब भी देना पड़ेगा और सेल करोगे तब भी देना पड़ेगा, जिसको हम मेकर फीस और टेकर फीस के नाम से जानते हैं। 0.35% देना होता है, 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो 0.26% आपके लिए यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। हम सेल पे क्लिक करेंगे और हमारा ऑर्डर हो गया यहाँ से एग्जीक्यूट, यानी हमने जो बाय की थी वो हमारी यहाँ पर सेल भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि कॉइन स्विच क्वेयर पर जब भी हम किसी करेंसी को बाय करते हैं तो 0.35% हमारे लिए टैक्स देना पड़ता है। किसको? एक्सचेंज के लिए। अब उस पर जितना भी ऑफर चल रहा हो तो उस ऑफर के हिसाब से हमारे लिए कम या ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है।
और अगर आप बजीरेक्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए 0.2% टैक्स पे करना पड़ता है, वहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं चलता, ना ही कोई ऊपर या नीचे उसका एग्जैक्ट फीस है। और अगर आप कॉइन डिस्ट्रैक्स का भी यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए 0.2% टैक्स देना होता है, किसके लिए, एक्सचेंज के लिए। तो आपके लिए जो भी एक्सचेंज सूटेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। और जिस भी एक्सचेंज पर आपके लिए अपना अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके किसी भी एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।